हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो हमें नेक्स्ट मंथ शादी में जाना था और शादी का सीज़न जो है आ चुका है, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम ऑनलाइन ही शॉपिंग करेंगे इस बार। सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, फिर ऑनलाइन अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो हम बाद में मार्केट जाएंगे, और अगर हमें ऑनलाइन ही पसंद आ गया तो हमें मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दो साड़ियाँ अभी आनी बाकी है, तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि वो कैसी आई हैं और मैंने कौन कौन सी ऑर्डर करी थी वो दो साड़ियाँ। सो चलिए बिना ज़्यादा देर करे स्टार्ट करते हैं हमारी पहली साड़ी से। सो फर्स्ट साड़ी जो मीशो से मंगाई है वो हमने ये मंगाई है। साड़ी में जो है अदर कलर्स भी अवेलेबल हैं। ये इस साड़ी का पल्लू आ जाएगा, पर्पल कलर में है, पर्पल और गोल्डन कलर में। इसके और भी अलग कलर्स आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। एंड ये जो है आप देख सकते हो कि ये अंदर से इसमें काम करा हुआ है। मैं ये पीछे की साइड दिखा रही हूँ और ये इसके फ्रंट की साइड दिखा रही हूँ आप। ये यहाँ पे इसका बॉर्डर है, ये सेम बॉर्डर इसके दोनों साइड में दिया हुआ है। इसका प्राइस और इसका नाम वगैरह आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक वगैरह मेंशन कर दूंगी। और अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ इसमें जो मैं साड़ीज़ आपको पहन के दिखाऊंगी, सो मैंने ऐसे ही मैनेज करी हुई होंगी, मैंने परफेक्टली नहीं बांधी हुई है। सो आप सिर्फ लुक देख सकते हैं कि पहनने के बाद कैसा लुक आने वाला है। जो घूम है वो मुझसे एक्चुअली बंध नहीं रहे थे एकदम से, पता नहीं मम्मी कैसे बांधती हैं, बट मुझसे तो बिल्कुल नहीं बंधे इसके घूम। फूली फूली सी लग रही थी। सो मम्मी ने तो जब बांधी थी तो बिल्कुल अच्छे से बांधी थी, तो इसका मतलब यही है कि मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती। इस साड़ी की जो लेंथ वगैरह बताई हुई थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सेम वैसे ही आई है। सो ये थी हमारी फर्स्ट साड़ी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी दूसरी साड़ी पे। सो नेक्स्ट साड़ी, इसको मैंने एक्चुअली पार्टीज के लिए और शादी के लिए ऐसे ऐसे फंक्शन के लिए लिया था। इसका आप यहाँ पे कपड़ा देखेंगे, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट है ये। इसमें इस तरीके से डिज़ाइन दिया हुआ है और ये डार्क ग्रीन में है, और साइड में जो इसका बॉर्डर है वो सच में बहुत क्यूट लगता है। और इसके दोनों ही साइड में ये सेम ऐसे बॉर्डर दिए हुए हैं। से बहुत ही क्यूट सा ब्लाउज दिया है उन्होंने साथ में। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये है बैक साइड। नीचे से आप देखोगे यहाँ पे ये इन्होंने हुक भी दिए हैं और ये यहाँ पे बांधने के लिए दिया है। रेडीमेड आया था, बिल्कुल सिला सिलाया, बस मैंने इसमें अंदर से स्टिचिंग की है, वो भी मैंने सुई से एकदम से कर दी थी। तो आप इसे किसी भी साड़ी के साथ में मिक्स करके पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इस हॉल में जैसे वीडियोस दिखाऊंगी जिनका ब्लाउज तैयार नहीं हुआ था, तो मैं इसी के साथ आपको पहन के दिखाऊंगी बाकी की साड़ियाँ। एकदम से आप इसे बिना सेकंड थॉट के मंगा सकते हैं। इसमें अलग अलग कलर्स थे अवेलेबल, तो आपको अगर इस कलर में नहीं किसी और कलर में इसको पिक करना है तो आप वहाँ से दूसरा कलर भी ले सकते हैं। और आपको जो जो साड़ियाँ अच्छी लगेंगी, या फिर कोई एक ही अच्छी लगेगी या फिर कोई भी अच्छी नहीं लगेगी, तो आप कमेंट में प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। सो इसका मैं लुक दिखा देती हूँ आपको कि पहनने के बाद कैसा आता है। हमारी नेक्स्ट साड़ी की तरफ। ये साड़ी मेरी मम्मी को फोटो में देख के बहुत अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी थी ये साड़ी, क्योंकि जो इसका स्क्रीनशॉट लगाया होता है वो बहुत ही शाइनी शाइनी टाइप का होता है ना, वैसा सा था। और जब हमें ये रिसीव हुई तो हमें उतना अच्छा नहीं लगा, इसमें शाइन नहीं थी, ये जैसे बिल्कुल फीका फीका सा कलर होता है वैसा सा था, लेकिन सिर्फ जो बॉर्डर वगैरह थे वो मैच कर रहे थे।
और यहाँ पे बीच बीच में आप देख सकते हो कि ये प्रिंट नहीं है, ये मतलब सिलाई है। ये जो साड़ी है इसका प्राइस अभी जो मैंने बाकी की इससे पहले दो साड़ीज़ दिखाई हैं उनसे ज़्यादा था, और ये जैसी दिखाई थी वैसी आई भी नहीं। सो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा था। सो फिर भी मेरी मम्मी को ये पसंद आई और उन्होंने रख ली कि क्या वापस करना है। और इसमें जो है यही कलर अवेलेबल था आई थिंक, और कलर अगर इस टाइम पे होगा तो आप लोग देख सकते हैं। सो इसके साथ में भी जो ब्लाउज़ आया था वो मेरी मम्मी ने बना लिया फिर। सो उसी के साथ में ट्राई करके मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि ये पहनने के बाद कैसी लग रही है। मेरी मम्मी को अच्छी लगी इसलिए उन्होंने रख ली। सो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये साड़ी। अब मैं आप लोगों को जो बाकी की साड़ियाँ दिखाने वाली हूँ वो मुझे कल ही रिसीव हुई हैं। सो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि उन दोनों साड़ियों में से मुझे कौन सी रखनी चाहिए या फिर दोनों ही नहीं रखनी चाहिए। आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी अच्छी लग रही है, क्योंकि वो अभी मुझे कल ही रिसीव हुई हैं और आपकी कमेंट से मुझे फ़ायदा मिलेगा कि हाँ कि अच्छी लग भी रही है या नहीं लग रही है। सो ये है हमारी नेक्स्ट साड़ी। ये नेट में है और ये है इसका बॉर्डर, और ये इसमें सीक्वेंस वर्क किया हुआ है इसके बॉर्डर पे भी और यहाँ पे ऐसे नेट पे भी। और ये पूरी पार्टी साड़ी है। ये अभी तक की सबसे महंगी साड़ी है। इसका जो प्राइस का स्क्रीनशॉट है और इसका बाकी का डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी जिससे कि आप देख सकें। ये है इसका ब्लाउज़ का पीस, ये स्टार्टिंग हुक है, और ये यहाँ पे इसके नीचे से ये बॉर्डर दिया हुआ है इस तरीके का। यहाँ पे इसमें फ्रिल फ्रिल वाला लुक दिया हुआ है। इसका जो कलर है उस फोटो में थोड़ा सा डार्क दिखाया था, बट जब मुझे रिसीव हुआ तो इसका कलर हल्का है थोड़ा उस पिक्चर से, और बाकी अदरवाइज मुझे ये अच्छी लगी। इस साड़ी को भी मैं आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ। इस साड़ी को भी मैं वो जो रेडीमेड ब्लाउज़ था ब्लैक कलर का उसके साथ ट्राई करके दिखाऊंगी। और ये एक्चुअली मुझे बांधने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये पूरी नेट की है और मुझे तो नॉर्मल साड़ी बांधनी नहीं आती, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा ठीक से बांध पाऊँ जिससे कि थोड़ा लुक शेयर हो पाए आप लोगों के साथ में कि हाँ कि ये साड़ी पहनने के बाद ऐसे लगने वाली है। सो चलिए इसे देख लेते हैं कि ये पहनने के बाद कैसी लग रही है। साड़ी एक्चुअली उल्टी है। ये हमारी नेक्स्ट साड़ी। ये साड़ी मैंने ब्लैक में और गोल्डन कलर में मंगाई है। इसके भी बहुत सारे कलर्स वहाँ पे अवेलेबल थे, जैसे कि थी तो ये ब्लैक में ही, बट जो ये कलर है इसका गोल्डन कलर जो आ रहा है सीक्वेंस वर्क जो आ रहे हैं ये अदर अदर कलर में थे, जैसे कि रेड में ब्लू में। ब्लू एक्चुअली मुझे ब्लू चाहिए था बट जब मैंने इसे विश लिस्ट में रखा तो ब्लू आउट ऑफ स्टॉक चला गया, तो फिर मुझे उन सारे कलर्स में से ये गोल्डन कलर अच्छा लगा कि फिर मैं गोल्डन कलर पिक करूँगी। और ये भी बहुत प्यारा आया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ब्लैक कलर का सीक्वेंस वर्क है, फिर उसके बाद ये गोल्डन कलर का, फिर उसके बाद ब्लैक, फिर उसके बाद गोल्डन। और ब्लाउज का पीस इसका बिल्कुल प्लेन आया है, और पहले तो मुझे लगा कि ये बहुत ही छोटा पीस है, बट फिर मैंने इसे देखा तो ये जो है डबल करा हुआ है। ये डबल है तो इसके अंदर से अस्तर लगवाना पड़ेगा, बट ये जो है किस्मत
किसी भी प्लेन ब्लाउज पे आराम से चल जाएगी। आपके पास अगर प्लेन ब्लाउज है ब्लैक या फिर गोल्डन कलर में, सो आप इसे उसके साथ एकदम से इजीली ट्राई कर सकते हैं। और ये पार्टीज के लिए, और ये पार्टी के लिए, फेयरवेल के लिए मुझे अच्छी लगी थी, सो इसलिए मैंने इसे पिक करा। और सीक्वेंस वर्क में आजकल ऐसी साड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है, और पहनने के बाद ही बहुत ही क्यूट सा लुक देती हैं, बहुत ही प्यारी लीजेंड सी लगती हैं। मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।